पंजाब में नई परिपाटी बनाएगी बदली सियासी बयार, वोटर लेंगे चारों दलों का इम्तिहान। पंजाब की बदली सियासी बयार, इस बार नई परिपाटी स्थापित करेगी। सूबे में लहलहाते खेतों के बीच बहते सियासी दरिया में वोट तलाश रहे राजनीतिक दलों का इस बार लोकसभा चुनाव में कड़ा इम्तिहान होगा। ये चुनाव कई मायनों में अलग होगा। साल 2014 में पंजाब के रास्ते पहली बार संसद पहुंची आम आदमी पार्टी के लिए ये पहला मौका होगा जब वह राज्य की सत्ता में रहते हुए लोकसभा चुनाव में उतरेगी। सत्तारूढ़ आप सियासी फसल काटने को बेताब है, लेकिन उसे दो साल के काम व चुनावी वादों का हिसाब देना होगा। पिछले चुनाव में 13 में से 8 सीटें झोली में डालने वाली कांग्रेस के सामने बिखराव के बीच गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती है। लगभग 4 साल पहले कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से नाता तोड़ने वाला शिरोमणि अकाली दल पंजाब में भाजपा से गठबंधन के लिए फिर कदम ताल कर रहा है, लेकिन उसके रास्ते में एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे किसान खड़े हैं। सियासत के लिए स्थितियां पहले जैसी नहीं है। भाजपा पीएम मोदी के नाम पर उपजाऊ सूबे में कमल खिलाने के प्रयास में है, पर हवा के विपरीत सियासी रुख दिखाते रहे पंजाब में उसकी राह आसान नहीं है। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए चंडीगढ़ व हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में एक दूसरे से गलबहियां डाल रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के सामने है। साल 2014 में मोदी लहर के बीच पंजाब से 4 सीटें जीतने वाली आपको 2019 में 1 सीट ही मिली थी। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने 42.01% वोटों के साथ 92 सीटें झोली में डालकर एक तरफा जीत हासिल की थी। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार स्थितियां अलग हैं। सूबे में सत्तारूढ़ आप पंजाब से संसद के लिए लंबी लकीर खींचने के प्रयास में है। यही कारण है कि संसद में भी भगवंत मान नारे के साथ पंजाब में चुनाव अभियान लॉन्च करने वाली आप ने 5 मंत्रियों को ही लोकसभा के दंगल में उतार दिया है। कांग्रेस के अस्त्रों से उसी परिवार की तैयारी। पिछले चुनाव में देश भर में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच पंजाब में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में पंजाब की सत्ता से बेदखल होते ही कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। 2 साल में कांग्रेस के 20 से ज्यादा बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इस चुनाव में भाजपा व आप जैसे दल कांग्रेस के इन्हीं अस्त्रों से उस पर वार करने को तैयार हैं। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।